morning everyone. Today we will start chapter number 6 in textbook. Open your page number 85. Expert detectives. उसमें summary है. Lesson start करने से पहले हम summary समझते हैं. Nishad, a boy of 7, also called 7 because his name means the 7th, not on the musical scale. Nishad है, वो यहाँ पे boy of 7, उसको 7 कहके यहाँ पे बुलाते हैं. Also called 7 because his name means the 7th, not of the musical scale. जैसे कि हमारे जो musical scale है, उसमें कुछ 7th note दिए गए हैं, सा रे ग म ग ध निशा, तो कितने नोट्स हैं यहाँ पे 7th नोट. एंड इज 10 ईयर ओल्ड सिस्टर माया एंड वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ. यहाँ पे ये जो निशा है उसकी सिस्टर है जिसका नेम है माया और वो है 10 ईयर ओल्ड. वेरी क्यूरियस अबाउट द मिस्टर नाथ, ये यहाँ पे माया एंड जो निशा है वो बहुत ही क्यूरियस है. इसके लिए जो मिस्टर नाथ है उसके लिए जानने के लिए वो दोनों सिस्टर एंड ब्रदर है वो बहुत ही क्यूरियस है. देन वन डे चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ्स रूम. वन डे ऐसा हुआ कि ये जो चिल्ड्रन थे माया एंड निशा वो दोनों के मार्बल वो खेल रहे थे, तो खेलते खेलते रोल होते हुए वो मिस्टर नाथ के रूम में चले गए. एंड निशा गेट्स चांस टू सी हिम. अब वो मार्बल है वो चले जाते हैं तो निशा को अब चांस मिल गया. इसके लिए तो वो जो मिस्टर नाथ है उनके लिए उनको देखने का या फिर उनको जानने का उनको चांस मिल गया. इज ही अ क्रूक ऑन द रन, क्या वो एक क्रूक है. क्रूक क्या, वो कोई अपराधी, वो कोई गुनेगार, उसको बोलते हैं हम क्रूक. तो वो बोलते हैं कि क्या ये क्रूक है. व्हाई इज हिज फेस बैडली स्कैर्ड, उनका जो फेस है क्यों बुरी तरह से डरा हुआ ऐसा लगता है. Why has he no friends, क्यों उनके कोई फ्रेंड्स नहीं है. ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है वो बॉय एंड गर्ल के माइंड में आता है, यानी कि माया और निशा के माइंड में आते हैं कि मिस्टर नाथ के बारे में क्या ऐसा है कि उनका फेस डरा हुआ लगता है, उनके कोई फ्रेंड नहीं है, कुछ तो ऐसा यहाँ मिस्टीरियस है. निशा's मदर अ डॉक्टर knows Mr. Nath as a patient who is very polite. यहाँ पे निशा की जो मदर है वो डॉक्टर है. knows Mr. Nath, वो है Mr. Nath का और नाथ के उनका क्या थे, Mr. Nath उनके पेशेंट थे. who is very polite, और वो जानती थी कि ये जो Mr. Nath है बहुत ही polite है. polite यानी बहुत ही विनम्र, बहुत ही humble तरह से अपना behavior वो करते थे. ये थी हमारी ये जो स्टोरी है उसकी समरी. अब हमारा हम लेसन स्टार्ट करते हैं जिसका यहाँ पे हेडिंग है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स. एस वी वॉक बैक टुवर्ड्स द क्लीनिंग सेवन सेड. एस वी वॉक, तो यहाँ पे वी किसके लिए कहा गया है, चिल्ड्रन के लिए, कि चिल्ड्रन वॉक करते हुए चलते हुए बैक टुवर्ड्स द क्लीनिंग सेवन सेड. ये जो दोनों चिल्ड्रन चलते चलते जा रहे थे तब कब जा कहाँ जा रहे थे क्लिनिक, तो उसके मदर के क्लिनिक जा रहे थे तब सेवन ने कहा ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर. मॉन्स्टर ये जो सेवन है वो कहता है कि ये जो नाथ है मिस्टर नाथ उसमें मुझे कोई मॉन्स्टर जैसा यहाँ पे दिखाई नहीं देता. माया माया को कहता है निशा. But did you see how thin he is? लेकिन तुमने देखा कि वो कितने पतले हैं? Maybe he is very poor and can't afford to eat. मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो poor है, maybe वो poor है, and can't afford to eat, और वो eat करने के लिए यानी कि खाने के लिए वो effort भी नहीं कर सकते, यानी कि खाने के लिए कुछ earn करना पड़ता है, कुछ money है वो उन्हें कमानी पड़ती है. मुझे ऐसा लगता है कि ये मिस्टर नाथ है वो बहुत सारा एफर्ट नहीं कर सकते, उसका बॉडी ऐसा उनको लग रहा है. He can't be poor if he is a cook, crook on the run. मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो बहुत ही पुअर नहीं हो सकता.
सकते, कोई अपराधी हो सकता है तो अपराधी कभी पूर्ण नहीं हो सकता, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। I told him he is probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. I told him, माया कहती है कि मैंने निशांत को कहा, इसके बारे में मिस्टर नाथ के बारे में कहा, he is probably got millions of rupees. उनके पास मुझे ऐसा लगता है कि millions of rupees यानी कि लाखों rupees उनके पास है। stashed away का meaning है यहाँ पे hidden away, उन्होंने कहीं छुपाए रखा है। somewhere कोई ऐसी जगह पर in that room उनके room में। do you really think he is a criminal Maya? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सचमुच में criminal है, कोई गुनेगार है Maya? ऐसा निशा है वो Maya क्वेश्चन करता है। he doesn't look like one, निशा look doubtful। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, निशा look doubtful, निशा है वो doubtful तरह से ऐसा कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि सचमुच में तुम्हें कोई वो criminal लगते हैं। of course he is 17, I say। माया कहती है कि of course he is one, हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है सेवन, निशाद का नाम क्या है यहाँ पे सेवन। एंड he certainly is not starving, Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. He certainly is not starving, क्या उन्हें भूख नहीं लगती होगी? Mr. Mehta told us, Mr. Mehta है वो एक बार ऐसा कहते थे, Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. वहाँ पे जो रमेश नाम का कोई पर्सन था वो उनको मिल्स अप, मिल्स अप का मतलब है यहाँ पे फूड, फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स, वो उनके लिए क्या करता था, रेस्टोरेंट्स के डाउनस्टेयर्स यानी कि नीचे जो रेस्टोरेंट था वहाँ जाकर उनके लिए वो फूड लेकर आता था मिस्टर नाथ के लिए। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस इट डजंट वर्क एनीवेयर, लेकिन माया मिस्टर मेहता तो ऐसा कहते थे कि ही डजंट वर्क एनीवेयर, वो कहीं जगह पर काम नहीं करते हैं। सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निशाद से, तो निशाद कहता है यहाँ पे कि तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जब कोई वर्क नहीं करता तो उनके पास फूड को, फूड का जो पेमेंट करना है उसके लिए मनी कहाँ से आएगा? ऐसा निशाद है वो किसको क्वेश्चन करता है, माया को ऐसा क्वेश्चन करता है। Exactly, I exclaimed. He must have lots of money hidden somewhere, maybe in that trunk, in his room. अब माया कहती है, I exclaimed. अब मुझे समझ में आया कि exactly क्या बात है। He must have lots of money hidden somewhere. उसने somewhere कोई ऐसी जगह है वहाँ पे कुछ जो मनी है उसको इन्होंने hidden कर रखा है। Maybe in that trunk in his room. Trunk का meaning है यहाँ पे पुराने जमाने में जो बक्सा, ठीक है, बड़ी वाली जो बॉक्स होती है उसको बोलते हैं यहाँ पे ट्रंक। तो वो बोलते हैं कि मुझे तो शायद ऐसा ही लगता है कि उन्होंने जो भी उनके पास मनी है वो वहाँ पे उन्होंने हिडन कर रखा है। It's probably full of silver and gold and jewels and मुझे तो ऐसा भी लगता है कि उनके पास बहुत सारा गोल्ड भी है, सिल्वर भी है और ज्वेल्स भी है। What rubbish, निशा interrupted, निशा ने उनको वहाँ पे रोक देता है माया को, जब माया उनके बारे में ऐसा बुरा भला कहती है कि उनके पास ज्वेल है गोल्ड है, तब निशा कहता है interrupted यहाँ पे, What rubbish, क्या तुम रबिस यानी कि मूर्ख जैसी बात करते हो। I know, I am right stupid, I told him. By the way, Sevan, did you see his scars? I know, मैं जानती हूँ, I am right stupid. मैं सच बोल रही हूँ, stupid, उसको कहते हैं stupid. I told him, मैं तुम्हें कह देती हूँ, माया कह क्या कहती है, मैं तुम्हें कहती हूँ, By the way, अब जाने दो Sevan, did you see his scars? Scars का meaning यहाँ पे घाव, उनके हाथ पर या पैर पर खरोच लग रहा है, उनको कुछ लग गया होता है। तो माया है वो निशा को पूछती है कि क्या तुमने उन पर कोई घाव देखा, स्कार्स देखा तुमने? I could not, it was too dark. I could not, नहीं मैंने तो ऐसा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। It was too dark, but I bet they got them during a shootout with the police or something.
उन्हें कोई पुलिस या फिर कोई समथिंग, पुलिस या फिर कोई समथिंग यानी कि कोई दूसरे पर्सन ने उनको शूट आउट किया है, यानी कि गोली से उनको क्या किया है, घाव पहुंचाया है। माया कहती है उनको, मुझे तो ऐसा लगता है। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वेयर बर्न स्कार्स, निशा सेड फेमली, निशा है वो कहता है कि मम्मी ऐसा कह रही थी कि क्वाइट क्लियरली उनको ऐसा क्लियर हो रहा है कि दे वेयर बर्न स्कार्स। मम्मी ने क्या कहा था कि वो जो उनकी जो चोट है, जो उनका घाव है, वो कोई गोली का घाव नहीं है, लेकिन उनको वहां पर बर्न हुआ था। बर्न यानी कि वो थोड़ा सा जल गए थे और जलने की वजह से वो उनका घाव है, वो चोट है, वो दिख रही है, इसकी वजह से वो पार्टी उनका डर हो गया है। माया कहती है परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट, आई सजेस्टेड, सेवन लुक्ड अनश्योर। माया कहती है परहैप्स द पुलिस, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद वहां पुलिस आई होगी, हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर, और उनके हाउस पर आग लगी होगी, उन्होंने फायर किया होगा टू फोर्स हिम आउट, और वो फायर करने के लिए वो पुलिस है वो उनको कंपल्सरी हो गया होगा, ऐसे कि उन्हें फायर करना पड़ा। आई सजेस्टेड, माया ने ऐसा सजेस्ट किया, लेकिन सेवन लुक्ड अनश्योर, सेवन है यानी कि निशा है वो ये जो मैटर है, ये जो इंसिडेंट है उसको अनश्योर है, उनके बारे में उन्हें ऐसा श्योर नहीं कि शायद ऐसा हुआ ही होगा। ऐसे तो वो क्या करते हैं, तो वो उसके बारे में ऐसा डिसाइड करते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा होगा, इनको ऐसा डाउट होता है, लेकिन क्लियरली उनके बारे में उनको कुछ पता नहीं है। ऑन द मंडे फॉलोइंग मम्मास बर्थडे, सेवन वेंट अलोन विद हर टू क्लिनिक एट गिरगांव एज आई वाज स्पेंडिंग द इवनिंग विद हर स्कूल फ्रेंड। When they returned, Nisa told me he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I had not been there. On the Monday ki din, following Mama's birthday, Mama ka birthday aa raha tha. Seven went alone with her to the clinic. Seven hai wo akela unke paas gaya. Clinic at Birbhum, unka jo clinic tha, kahan pe tha, Birbhum mein. तो वहां पे गिरगांव को क्लिनिक पर गया। एज आई वाज स्पेंडिंग द इवनिंग विद अ स्कूल फ्रेंड, और मैंने वहां पे अपने स्कूल फ्रेंड के साथ मेरा पूरा इवनिंग है वहां पे स्पेंड किया। व्हेन दे रिटर्न, जब हम वहां से वापस आ रहे थे, निशाद टोल्ड मी, निशाद ने मुझे कहा, ये कौन कहता है, माया, ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ एंड आई फेल्ट मोस्ट एनवर्ड। उसने मिस्टर नाथ को देखा था और उसे ऐसा लगा कि ही मोस्ट एनॉयड, वो बहुत ही एनॉयड हुए थे दैट आई हैड नॉट बीन देयर, और मैंने ऐसा कभी भी उन्हें पहले नहीं देखा, तो आज वो बहुत एनॉयड यानी कि बहुत ही चिड़चिड़ा है, तो ऐसा उन्होंने मिस्टर नाथ के बारे में देखा। सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ गांड अपीयरेंस एंड वाज श्योर दैट ही वाज स्टार्विंग। सेवन है वो मिस्टर नाथ को लेकर बहुत ही क्वाइट अपसेट है, यानी कि बहुत ही उदास रहता है, तो उसका भी कोई यहाँ पे रीजन है, क्यों, क्योंकि मिस्टर नाथ का जो अपीयरेंस था वो उनको बहुत ही गॉन्ट दिखता था, गॉन्ट का मीनिंग है यहाँ पे बहुत ही बीमार वाला, तो उनका जो लुक है तो उनको बीमार दिखते थे। एंड वो श्योर दैट ही वाज स्टार्विंग, निशा को ऐसा लगता था कि ये जो उनका जो बॉडी है जो थीन वाला था, दुबले पतले थे, वो बहुत ही बीमार रहते थे, तो उनका रीजन है कि वो स्टार्विंग के मारे यानी कि भूख के मारे उनका ऐसा बॉडी लग रहा है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली मिस्टर नास डोर दैट इवनिंग एंड सेड ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नास। He told me that, यानी कि निशा ने मुझे कहा, माया कहती है, that he had knocked loudly on Mr. Nath. निशा तो माया को कहता है कि मैं मिस्टर नाथ के हाउस पर गया था और बहुत ही जोर से मैंने नॉक किया, यानी कि खटखटाया उनका जो डोर है। That evening, उस शाम को, and said, open the door quickly, Mr. Nath. और क्या हुआ? तो मिस्टर नाथ ने बहुत
मिस्टर नाथ ने जो डोर था वो बहुत ही क्विकली से ओपन किया एंड आस्क्ड हिम और निसार को पूछा, लॉस्ट अनदर मार्बल, क्या तुम्हारी अनदर मार्बल यानी कि दूसरी मार्बल भी यहाँ लॉस्ट हो गई है? निसार को ऐसे क्वेश्चन करते हैं मिस्टर नाथ। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज माय ब्रदर। यहाँ पे माया कहती है कि अब इस बार ऐसा हुआ कि वो ऑब्वियसली यानी कि श्योरली वो निसार को यानी कि मेरे ब्रदर को, ये जो सेंटेंस है वो माया बोलती है, इसलिए माया कहती है कि इस बार मुझे ऐसा लगता है कि श्योरली वो मेरे ब्रदर को पहचान रहे है यानी कि निसार को पहचान रहे। नो से निसार, ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड थर्स्ट बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। निसार कहता है कि नो, ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन, उसके हाथ में क्या था तो कि उनके हाथ में वो चॉकलेट लिए खड़े हुए थे और उन्होंने थर्स्ट बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट और उन्होंने मुझे क्या किया तो चॉकलेट निकालकर मुझे दी। Did you get chance to peek into the trunk, Seven? I asked. माया कहती है कि क्या इस बार तुम्हें उनका जो ट्रंक था यानी कि जो बक्सा था जिसमें बहुत सारी, उनको ऐसा डाउट था कि बहुत सारी थिंग्स है जो ऐसे गोल्डन है और सिल्वर है, तो क्या वो उनके अंदर इस बार वो चीज है वो इंक्लूड है, तो वो देखने का उनको चांस मिल गया था? निशान अब तुमको मिला था सेवन, I asked, माया ने उनको ऐसा पूछा। निसार looked disappointed, निसार है वो बहुत ही disappointed दिखता था यानी कि बहुत ही उदास, बहुत ही उदास हुआ था। He didn't even ask me in, he said, then he smiled, but I did find out something, Maya. I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. He didn't even ask me in. अब ये निसार है वो माया को कहता है he did not even ask me in, इसका मतलब है कि उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहा। अब निसार ऐसा कहता है, then he smiled, उन्होंने only क्या किया उसके सामने smile किया और मैंने भी उनके सामने smile किया, but I did find out something माया, लेकिन मुझे वहां से कुछ find करना था माया। I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. जब मैं वहाँ पे गया और रेस्टोरेंट तब रमेश है वो कुछ वर्क करता था and talked to him और उनके बारे में, किसके बारे में, मिस्टर नाथ के बारे में मुझसे बात कर रहा था। Good for you, Mr. Detective, I said. माया ने निसार को कहा, यहाँ क्या कहा, गुड फॉर यू, ये तो अच्छी बात है मिस्टर डिटेक्टिव। उसको क्या कह के बुलाती है निसार को, वो कहती है मिस्टर डिटेक्टिव। डिटेक्टिव किसको कहते हैं जो कुछ इंसिडेंट के बारे में या कुछ थिंग्स के बारे में कुछ सर्च करते हैं उसको कहते हैं यहाँ पे डिटेक्टिव। वो बहुत ही वो बना इंसिडेंट के बारे में डीप में जाते हैं, तो वो उसको हंसकर बोलती है कि गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, पेटिंग हिम ऑन द बैक, और ऐसा कह के उनकी जो बैक है यानी कि पीठ है वो पेटिंग करके उसमें थपथपाती यानी कि शाबाशी देती है। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, मुझे ऐसी होप है, माया कहती है कि मुझे तुम पर ऐसी होप है, मैं ऐसी आशा रखती हूँ कि तुमने उनके बारे में प्रॉपरली क्वेश्चन किए होंगे। इसके बारे में तुमको मिस्टर नाथ के बारे में जानना था कि मिस्टर नाथ कैसे है, कहाँ से आए हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, क्या कोई क्रिमिनल तो नहीं है ना, वो शायद क्या श्योरली वो क्रूक है, तो उनके बारे में हमको ऐसा जानना था। तो ये माया है वो कहती है कि मुझे इस बार तुम पर ऐसी आशा है कि तुमने प्रॉपरली क्वेश्चन किए होंगे। सेवन लुक प्लीज, सेवन है वो यहाँ पे बहुत ही खुश दिखता है। Ramesh told me that it takes 2 minutes for Mr. Nath every morning and evening. Ramesh ने मुझसे ऐसा कहा। अब जो भी बात Ramesh ने Mr. Nath के बारे में माया को बताई, Mr. Nath के बारे में बताई, वो अब निसार है या फिर सावन है, वो माया को उनके बारे में बताता है।
वो कहता है कि रमेश ने मुझे ऐसा कहा कि ही टेक्स 2 मिनट्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, कि वो 2 मिनट्स यानी कि 2 वक्त का खाना है मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह को और शाम को लेते हैं, जिसमें वो क्या लेते हैं 2 कप्स ऑफ टी यानी कि 2 कप चाय लेते हैं, 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून, 1 कप चाय है वो सुबह में लेते हैं और 1 कप चाय है वो दोपहर को लेते हैं। रमेश सेज ही इज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, इट्स ऑलवेज द सेम फूड, 2 चपातीज सम दाल एंड अ वेजिटेबल, मिस्टर नाथ पेस दिस एंड इट्स वेल। रमेश कहता है कि ही इज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, वो जो कुछ भी खाते हैं उसमें कुछ पर्टिकुलर नहीं होता है, लेकिन इट इज ऑलवेज द सेम फूड, कोई पर्टिकुलर नहीं कि रोज वो डिफरेंस टाइप के फूड खाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका जो रोज का डेली का जो फूड है वो परफेक्ट यानी कि वो डिसाइड किया हुआ है, उसमें 2 चपातीस खाते हैं, सम दाल यानी थोड़ी सी दाल एंड वेजिटेबल, मिस्टर नाथ पेस कैश एंड टिप्स वेल, मिस्टर नाथ है वो खाना खाके उसका जो भी कैश है वो पेमेंट करते हैं एंड टिप्स वेल, टिप यानी कि कुछ, हमें पता है जब भी हम होटल में जाते हैं तो खाना खाने के बाद जो भी कुछ 20 या 30 रुपये जो हम क्या करते हैं वेटर को हम टिप देते हैं, तो ये रमेश मिस्टर नाथ के बारे में कहता है कि वो खाना खाते हैं उसका पेमेंट करते हैं और आफ्टर बाद में वो टिप्स भी अच्छी देते हैं। यहाँ पे रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, रमेश ने ये जो मुझे कहा उस वजह से मुझे उनके बारे में कुछ स्ट्रेंज लग रहा माया। 7 एडेड 7 ऐसा ऐड करता है, ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 लंचेस टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन इज विद हिज इश्वर, क्या स्ट्रेंज लगा तो ये जो बात की उसके अलावा उसने उनके बारे में कुछ और भी कहा था कि ऑलमोस्ट एवरी संडे ऐसा होता है ही कैरीज 2 लंचेस टू मिस्टर नाथ रूम, यानी कि 2 लंचेस जो है वो मिस्टर नाथ के रूम में जाती है एंड सेम मैन इज विथ हिज ईच टाइम, और कोई एक ऐसा सेम मैन है जो ईच टाइम एवरी संडे ईच टाइम को वहाँ पहुँच जाता है और 2 मील्स यानी कि 2 पर्सन का वो फूड है वो लेके जाता है। वो पर्सन कैसा था तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, ही इज टॉल फेयर स्टाउट एंड वियर स्पेक्टिकल्स, बहुत ही ऊंचा था, फेयर बहुत ही गोरा था और स्टाउट यानी बहुत ही फैट था एंड वियर स्पेक्टिकल्स, वो जो मैन था वो स्पेक्टिकल भी वियर कर रखे थे। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स, रमेश कहता है कि हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट, वो जो विजिटर है वहाँ यहाँ पे आके बहुत सारी बात करता है, अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स, ये जो बात है वो मिस्टर नाथ को अच्छी नहीं लगती। वेल निशा आई टोल्ड हिम नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद अवर इंक्वायरीज वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स सो दैट वी कैन ट्रैक द क्लू, अब ये जो माया है वो निशा के को कहती है कि वेल डन अच्छी बात है, आई टोल्ड हिम ऐसा उसको कहती है, नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद अवर इंक्वायरीज, अब हमारी जो भी इंक्वायरी है उसमें हमें कुछ प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है, वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, ये हम मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी हमें फैक्ट मिली है उससे हमें एक्सपर्ट डिटेक्टिव होने के नाते हमें ये उसके बारे में यानी कि ये जो गुनहगार है उसके बारे में हम उसको उसके बारे में डीप में जानकर उसे ट्रैक कर सकते हैं, उसे हम पकड़ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा ही माया है वो निशा को बताती है। हाउ टू गो ऑन माया 7 साइड, हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन हिज ग्रुप ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, लेकिन ये जो सभी बातें हैं जो मिस्टर नाथ के बारे में
ऐसे माया कहती है, वो निशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सेवन साइड, साइड का मतलब है वो बहुत ही निशा सा लगने लगता है, बहुत ही सैडनेस हो जाता है। और वो कहता है हाउ डू यू गो ऑन माया, इसकी इस एज में बातें बताई है उससे हम कैसे आगे जा सकते हैं, ऐसा तुम कैसे कह सकती हो। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन दिस ग्रुप, ये जो बात पता है खाने पीने की, या कोई पर्सन आ रहा है उनके साथ संडे को खाना खाता है, तो उसकी वजह से हम कैसे कर सकते हैं, कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि वो क्रूक है यानी कि अपराधी है, गुनेगार है, ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है। ही लुक सो ऑर्डिनरी, अब भी निषाद है उसके सामने आर्ग्यूमेंट करता है और वो उसके बारे में कहता है कि मुझे वो बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन लगता है। ऑर्डिनरी का मतलब है बहुत ही सामान्य, यानी कि बहुत ही अच्छे पर्सन मुझे लगते हैं। क्रिमिनल कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टली आई रेटोटेड, माया कहती है क्रिमिनल का लुक भी बहुत ही ऑर्डिनरी भी होता है, वो बहुत ही स्मार्ट होते हैं। लुक क्वाइट, वो उनका जो उड़िया है वो ऐसा ही ऑलवेज दिखता है। Did you see the picture of the Hyderabadi housewriker in the papers yesterday? माया है उसको कहती है कि तुमने क्या वो जो इंसिडेंट है किसके बारे में, तो जो हाउस ब्रेकर इन द पेपर यस्टरडे, हैदराबादी का जो इंसिडेंट था, जो हाउस ब्रेकर था पेपर्स का, तो वो तुमने हाउस ब्रेकर या उसका पेपर के बारे में तुमने क्या रीड नहीं किया था, उनका पिक्चर तुमने यस्टरडे पेपर में नहीं देखा था। ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, निशा लुक्ड डाउटफुल, वो कहता है कि ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, वो जो मैन था वो भी कोई स्ट्रीट में कोई नॉर्मली पर्सन जाता है ऐसा ही वो दिखता था। निशा लुक्ड डाउटफुल, निशा को उस बात से कुछ डाउट हुआ। द मॉनसून ब्रॉक द नेक्स्ट डे, डार्क क्लाउड्स अकंपेनीड बाय ब्लाइंडिंग फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग एंड रोलिंग रोस ऑफ थंडर बर्स्ट्स विच ऑल देयर फ्यूरी फ्लडिंग द स्ट्रीट्स विद अ हैवी डाउनपोर। स्कूल वॉज टू हैव रीओपन आफ्टर द समर हॉलीडेज बट नो ट्रैफिक वुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स एंड देयर वॉज एन एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। द मॉनसून्स ब्रॉक द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे ऐसा हुआ कि मॉनसून हो रहा था यानी कि बारिश हो रही थी। तो वो कहती है आई सेट माय डेस्क, मैं अपने टेबल पर बैठ गई।
इन आवर बेडरूम, मेरे बेडरूम में विद सीट ऑफ पेपर बिफोर मी, और पेपर की सीट यानी कि बहुत सारे पेपर